ये है रानीपुर झरियाल का एंट्रेंस जहाँ पर चौसठी योगिनी मंदिर स्थित है। चलो आगे हम देखते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं। जय जगन्नाथ, आई एम प्रदीप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 विजिट। टुडेज टारगेट इज टू एक्सप्लोर रानीपुर झरियाल, चौसठी योगिनी मंदिर, बलांगीर। तो मैंने आके पहुँच गया चौसठ योगिनी मंदिर बंद है, गेट के सामने में खड़ा हूँ। मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ अंदर का सीन, अंदर का जो चौसठ योगिनी का स्वरूप है वो सब अंदर ही है, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। डोर तो लॉक है, मैं आपको ले चलता हूँ अंदर। अभी खुला है, लॉक तो खुल गया, मैं चलता हूँ अंदर। माँ काली का इतना स्वरूप है, जो 64 का नंबर इन 64 स्वरूप है माँ काली का, ये सब मूर्ति वहाँ पर रखा गया है। अभी आप देख सकते हैं इतने सारे मूर्तियाँ, इतने सारे माँ का स्वरूप, जो एक ही साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखाते चला रहा हूँ, देखते जा रही है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि माँ का इतना स्वरूप एक ही साथ आपको देखना मिलेगा। मेरा भी आज सौभाग्य है। अभी थोड़ा गर्मी का सीजन है, ज़्यादा धूप है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको सभी स्वरूप दिखाने के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए माँ का 64 योगिनी स्वरूप, 64 योगिनी, ये सब आप देखते रहें। मैं आपको दिखाता रहा हूँ। और मंदिर भी बनने वाला है, आप देखते रहिए। ये अंदर का, आप जितना सब स्वरूप दिखे माँ का, वो 64 योगिनी है। माँ का सब भिन्न भिन्न स्वरूप है। माँ का ऐसा मंदिर हमारा उड़ीसा में कहीं भी मैंने नहीं देखा है, लेकिन वहाँ पर ये वो है 64 योगिनी मंदिर, रानीपुर झरियाल, बलांगीर। 104 किमी बलांगीर शहर से दूर दक्षिण पश्चिम में एक चट्टानी पहाड़ी पर 64 योगिनियों की इष्ट देवी का मंदिर है। रानीपुर झरियाल को शास्त्रों में सोम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह शैववाद, बौद्धवाद, वैष्णववाद और तंत्रवाद की धार्मिक आस्थाओं का एक संयोजन है। 64 योगिनियों की पूजा एक बंद गोलाकार खुली तिजोरी में की जाती है। इस स्थान का प्रमुख आकर्षण भारत के 4 ऐसे तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान सोमेश्वर शिव को समर्पित यह मंदिर यहाँ के लगभग 50 मंदिरों में से एक प्रसिद्ध है। पूरा गर्म हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको दिखा देता हूँ। आगे का जो व्यू है, ये देखिए आगे भी बहुत छोटा छोटा मंदिर सब बना हुआ है। ये देखिए बहुत सारा मंदिर बना हुआ है। आगे भी देखिए इतने सारा मंदिर सब बना हुआ है। माँ का सब अलग अलग मंदिर, माँ का अलग अलग स्वरूप। एक ही पर्वत वो है रानीपुर झरियाल, इसी पर्वत के ऊपर बसा हुआ है सब मंदिर, वो भी सब भिन्न भिन्न जगह पे सब बना हुआ है। आगे पीछे जहाँ देखो सब मंदिर बना हुआ है।